तो गाइस अगर आप सभी लोगों के पास Redmi Note 9 और 9 Pro का फ़ोन है, या तो फिर Redmi Note 10 या तो फिर 10 Pro का फ़ोन है, और आपके फ़ोन में दोस्तों जो MI का ऑफिशियल स्क्रीन रिकॉर्डर होता है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको सॉल्व करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करनी है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डर लिख लेना है। तो जैसे ही आप सभी लोग स्क्रीन रिकॉर्डर लिखेंगे तो फर्स्ट में आपको ये जो एप्लीकेशन है वो आएगा, तो आप सभी लोग उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है, और इसका डाटा आपको सबसे पहले जो है क्लियर कर लेनी है, या तो फिर क्लियर कैचे कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी है अपने फ़ोन के MI स्क्रीन रिकॉर्डर के एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट में रेजोल्यूशन सेटिंग करनी है, यानी कि आपको जितनी भी क्वालिटी चाहिए होगी वीडियो की तो आप जो है रेजोल्यूशन सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आता है वीडियो क्वालिटी का, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है वीडियो की क्वालिटी आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कि कितनी MB में आपको जो है वीडियो की क्वालिटी चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा MB में आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो HD में रिकॉर्ड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इसको सेटिंग कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साउंड सोर्स का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप सभी लोग अपने फ़ोन में जो है वॉइस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको माइक पे सेलेक्ट करना है। अगर आप सभी लोग माइक लगाते हैं अपने फ़ोन में और बोलते हैं, यहाँ पे अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे आपको माइक पे सेलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है सारी सेटिंग्स को कर लीजिए, और यहाँ पे आप जो है फ्रेम रेट भी यानी कि FPS को भी यहाँ पे जो है सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 24 FPS में रखा है, तो आप सभी लोग इसको जो है 30 FPS में भी रख सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप जो है अपने फ़ोन में जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और इस तरीके से आप जो है सारे का सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।